अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो 13 क्वेश्चन में आप टाइप यूज़ करेंगे टाइप नंबर 4। इससे पहले हमने जो टाइप्स यूज़ किए हैं उसे एक बार रिवाइज करते हैं। टाइप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5। टाइप नंबर 2 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9। और फिर टाइप नंबर 3 जो कल हमने की थी क्वेश्चन नंबर 10 और 11। आज टाइप नंबर होगी 4। टाइप नंबर 4 में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 12, 13 और 14। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपके पास। तो क्या करना है आपको, यहाँ देखें ये एक आपको दिया गया जी 3 की पावर 2x प्लस 2। आप यहाँ से ब्रेक कर लेंगे इस 2 को। 2 कैसे ब्रेक हो सकता है, हमने लिखा 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2। ठीक है, ये इस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बेसिस सेम पावर्स ऐड हुई हुई थी। हमने क्या किया, यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया इस तरह से। अगर आप वापस जाना चाहें तो इस रूल के अकॉर्डिंग वापस भी लिख सकते हैं। ये 12 3 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़। अगेन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको दिखाई देता है जिस तरह से बाहर ax² + bx + c = 0। ये हम बनाना चाहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्वेयर, ये 2, तो ये 2 आप इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं बाहर, ये x अंदर लिख लिया। तो 3 की पावर x मल्टीप्लाई 2 डॉट 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3 रहा एज इट इज़। यहाँ आप लेट करें 3 की पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल, देन द अबव इक्वेशन बिकम्स, इस 3 की जगह 3 की पावर x की जगह हमने पुट किया y, ये मिला आपको जी y। यहाँ ये था स्क्वेयर, ये स्क्वेयर भी यूज़ कर लिया, ये 9 मल्टीप्लाई था, 9 को हम स्टार्ट में ले आए, इस इक्वल टू 12, 3 की पावर x को हमने लेट किया है y के इक्वल, यहाँ पुट किया y और माइनस 3 रहा एज इट इज़। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वेयर ये यानी कि y में है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपने लिख लिया वाई स्क्वेयर, फिर इसके बाद आता है जी y प्लस 12 y, यहाँ शिफ्ट किया तो माइनस 12 y, माइनस 3 यहाँ शिफ्ट किया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लें 9, 12 और 3 से 3 कॉमन लिया तो 3 3 था 9, 3 4 था 12, 3 1 था 3। ये 3 मल्टीप्लाई इक्वल के यहाँ आकर डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपको मिला जी 3y² - 4y + 1। फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज में आपको इसके फैक्टर्स मिलेंगे -3y और -1y। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लिया और फिर नेक्स्ट 2 टर्म से कॉमन, यहाँ से कॉमन मिला 3y, अंदर मिलता है आपको y-1, यहाँ से कॉमन लेंगे -1 और आपको मिलेगा जी y-1। ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, 1 टाइम लिख रही और ये आपको मिला 3y-1 = 0। फर्स्ट भी 0 के इक्वल, सेकंड भी 0 के इक्वल, y कैलकुलेट किया -1 ने यहाँ शिफ्ट किया तो +1, यहाँ से y कैलकुलेट किया तो -1 यहाँ शिफ्ट करेंगे +1, 3 मल्टीप्लाई यहाँ आकर होगा डिवाइड। y हमने स्टार्ट में लेट किया था, इसकी वैल्यू अब रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमने लेट की है जी 3 की पावर x, तो ये यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। y की जगह यहाँ लिखा 3 की पावर x = 1, यहाँ भी रिप्लेस की 3 की पावर x = 1/3। तो यहाँ देखें जी हमें ये कैलकुलेट करना है x, ये बेस यहाँ दिखाई दे रही है आपको 3, यहाँ भी बेस 3 होनी चाहिए, तो ये बेस 3 लाने के लिए हम 1 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो वो क्या होता है जी 1 होता है, हमने इसे लिख लिया 3 की पावर 0, ताकि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो तो मिलेगा आपको x = 0। यहाँ भी बेसिस सेम कर लेंगे, यहाँ 3 की पावर +1 है, ऊपर शिफ्ट किया तो 3 की पावर मिली आपको -1, ये 3 3 से कैंसिल हुआ तो x = -1 मिला। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 इसी पैटर्न पर आपने सॉल्व करने हैं, और इसके साथ एक एग्जांपल भी है इस टाइप की। तो ये आप एग्जांपल और 2 क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप और इसकी लास्ट टाइप टाइप नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।